मंजू, आई थिंक आई शुड लीव नाउ. राज बेचारा इस शाम को लेकर इतना परेशान हो गया है ना. आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर हिम. चलो कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी. नहीं नहीं अभी कर लो, कुछ और मिर्च मसाला रह गया ना बाकी छिड़कने के लिए, तो वो भी छिड़क लो. आई डोंट नो व्हाई यू डोंट माइंड योर ओन बिजनेस. हर चीज में टांग अड़ाती हो तुम. अरे कमाल है, मैंने क्या कहा है? व्हाई यू ब्लेमिंग मी? सब समझती हूँ, अपनी मजबूरी का बहाना करके ना मनु पे डोरे डालने की कोशिश कर रही हो तुम. अपने आप को देखो, अपने बिजनेस को देखो, उसके बाद मुझ पर और मेरे पास पर उंगलियां उठाना तुम. मंजू आई विल नॉट स्टैंड फॉर दिस. अरे खुद के मन में चोर है और मुझको ब्लेम कर रही हो. अगर राज को देने के लिए तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? ये तरीका है मेहमानों को ट्रीट करने का? मेहमान नवाजी का तो नाजायज फायदा तुम उठा रही हो. पूरा घुस आई हो मेरे घर में, मेरे पति को छीनने. वैसे क्यों नहीं करोगी? अकेली हो, वो शादीशुदा होने का बंधन भी नहीं रहा तुम पर. माय गॉड मंजू, जस्ट शट अप. डू यू इवन नो व्हाट यू आर सेइंग? वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ. वसुंधरा के घर में भी हर वक्त मनु पे नजर थी तुम्हारी, सब जानती हूँ मैं. सच अ पिटी, कितने साल लग गए तुम्हें ये सब पता लगाने में. बेचारी हमारी मासूम नादान मंजू को ये सब अब पता चला है. अरे उस सिली वुमन, मैंने आज तक राज और अपना रिश्ता किसी से नहीं छुपाया है. ये तुम भी जानती हो और सब जानते हैं. छुपाने का शौक तो तुम्हें है. आज हम में से कईयों को ये पता चल चुका है कि तुम क्या क्या छुपा रही थी. बहन को छुपाया, बैंक अकाउंट छुपाए, न जाने और क्या क्या छुपा रखा है तुमने. यू शट अप, यू आर सच अ बिच. यू कॉल मी अ बिच? डैम यू मंजू, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस घर में वापस कभी कदम नहीं रखूंगी. दैट्स ओके विद मी. और अपने साथ अपनी चिंगारियां भी लेती जाओ. अपने घर और अपने पति को तो भूख चुकी हो, अब मेरा घर जलाना चाहती हो?